भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था, उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम है, उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और किन किन को शिक्षा का दान दिया था? अगर नहीं तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब देने वाले हैं, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, आज सबसे पहले भगवान शिव के जन्म की कहानी यानी कि शिव पुराण की एक लोकप्रिय कथा के बारे में बताने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि भगवान शिव की ना ही कोई माता है और ना ही कोई पिता है। इसी कारण भगवान शिव पंच तत्वों से भी परे हैं, जिस कारण से इन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है और इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। पर अब बात करते हैं विष्णु पुराण में बताई गई भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक और कहानी के बारे में। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनकी नाभि से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। और दूसरी ओर शिव पुराण में भगवान विष्णु के जन्म के बारे में बताया गया है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने को मल रहे थे और घुटने के निकले हुए मेल से भगवान विष्णु का जन्म हुआ था। और अगर ऐसा हुआ था तो विष्णु पुराण और शिव पुराण दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इस कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और कथा काफ़ी पॉपुलर है, जिसे आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। और अगर नहीं सुना तो आपके लिए बता दें कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की बहस छिड़ गई थी कि इस संसार में सबसे महान कौन है। और जब इस बात को लेकर भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा बहस कर रहे थे तो भगवान शिव एक जलते हुए खंभे के रूप में उनके बीच में आए थे। वो दोनों इस रहस्य को नहीं समझ पाए। तभी अचानक से एक आवाज़ आई कि जो भी इस खंभे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप धारण किया और खंभे का ऊपरी छोर ढूंढने निकल गए, और विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खंभे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को भी खंभे का छोर नहीं मिला और दोनों हार मानकर वापस आ गए। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मान लिया कि भगवान शिव ही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। इनसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके साथ ही शिव पुराण में बताया गया खंभा यह दर्शाता है कि ना ही भगवान शिव जन्मे थे और ना ही उनका कोई अंत है। और एक कारण तो यही है कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, यानी कि भगवान शिव का अंत है ही नहीं। अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में जो सबसे प्रसिद्ध हैं, कि क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं? जी हाँ, इनकी यह कहानी लोगों के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें कि भगवान शिव ने किस प्रकार आखिर ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है कि जब पूरी धरती आकाश पाताल सब पानी में डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई नहीं दिखता था। भगवान विष्णु ही अपने शेष नाक पर पानी पर दिखाई देते थे, जिसके बाद उनकी नाभि से कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। और जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी इस यूनिवर्स से संबंधित बातें कर रहे थे, तब शिव जी प्रकट हुए, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण शिव जी रूठ गए थे। उनके रूठ जाने से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान कर शिव जी की याद दिलाई, जिसके बाद ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पछतावा हुआ और उन्होंने शिव जी से माफ़ी मांगते हुए उन्हें अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद दे दिया। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की ज़रूरत पड़ी। फिर ब्रह्मा जी को शिव जी का आशीर्वाद याद आया, जिसके लिए ब्रह्मा जी ने तपस्या की और उसके बाद शिव जी उनकी गोदी में रोते हुए प्रकट हुए। आपको बता दें कि ये भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब ब्रह्मा जी ने उनसे उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला। पर इसके बाद भी शिव जी रोते हुए चुप नहीं हुए। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया, लेकिन उन्हें वो नाम भी पसंद नहीं आया और फिर भी वह चुप नहीं हुए। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को चुप कराने के लिए उन्हें 108 नाम दिए थे, जो रुद्र भीम पशुपति ईशान और महादेव जैसे नाम थे।
और शिव पुराण के अनुसार उनके यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। इसके बाद बात आती है श्रीमद् देवी महापुराण की। श्रीमद् देवी पुराण में भगवान शिव के माता तथा पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् देवी पुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार भगवान नारद जी ने अपने पिता भगवान ब्रह्मा जी से पूछा था कि सृष्टि का निर्माण किसने किया है, और साथ ही आपके भगवान विष्णु के और भगवान शिव के माता पिता कौन हैं। तब ब्रह्मा जी ने त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया। उन्होंने जो बताया वो वाकई चौंका देने वाली बात थी। उन्होंने बताया कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा विष्णु और महेश का जन्म हुआ, यानी प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता हैं और ब्रह्मा यानी काल सदा शिव हमारे पिता हैं। ये थे भगवान शिव के जन्म से जुड़े कुछ फैक्ट। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगे।